हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो फ्रेंड, ये हमारे पेंसिल शेडिंग कोर्स का सेकंड क्लास है। इसमें हम पेंसिल शेडिंग और ब्लेंडिंग टेक्निक सीख रहे हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, पेंसिल को अगर हम ज़्यादा प्रेस करते हैं तो उससे डार्क टोन निकलता है, और कम प्रेस करते हैं तो लाइट टोन आता है। तो आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है, पेंसिल को टॉप से ज़्यादा प्रेस करके बॉटम की तरफ उसका प्रेशर कम करते जाना है, तो आपको डार्क टू लाइट टोन मिलेगा। इसका आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस करना है शेडिंग के लिए। मेरे पास अभी जितनी पेंसिल थी उन सब पेंसिल से मैंने डार्क टू लाइट शेडिंग का प्रैक्टिस किया है। आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। अभी यहाँ पे मैंने एक स्केल ड्रॉ किया छोटा, तो इसमें आपको HB, 2B, 4B इन पेंसिल से जो शेड निकलते हैं उसका हमें लाइट टू डार्क शेड मिक्सिंग करना है। तो इसमें देखिए, मैंने अभी इस पर शेडिंग किया है। धीरे से आपको शेडिंग करना है और उसे मिक्स करना है। ब्लेंडिंग के लिए आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एक सॉफ्ट टोन आएगा। मैंने अभी और डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें आपको 4B, 6B और 8B इन तीनों पेंसिल के जो टोन होते हैं, तो उससे आपको एक स्केल ड्रॉ करके या आप कोई भी दूसरा ड्राइंग बना के इसमें आपको प्रैक्टिस करना है तीनों शेडिंग टोन ड्रॉ करने का। जैसे आपको अभी 4B से मीडियम टोन मिलेगा और 8B से डार्क, तो आपको मीडियम टोन से डार्क की तरफ जाना है। इसे आपको ब्लेंडिंग करना है। यहाँ पे अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ, तो आपको शेडिंग करते टाइम दोनों टोन अच्छे से मिक्स करना है। मतलब कहीं पे भी दोनों टोन में गैप नहीं आना चाहिए, कि जिसमें आपको कहीं पे एकदम लाइट दिख रहा है, कहीं पे एकदम डार्क दिख रहा है, तो ऐसे नहीं आना चाहिए। उससे आप अच्छे से मिक्स कर लो, कहाँ पे कम प्रेस करना है, कहाँ पे ज़्यादा प्रेस करना है, इसका आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने अभी स्केल में प्रैक्टिस किया है और टोन मिक्सिंग की है, तो इसी टोन का यूज़ करके हम शेडिंग करने वाले हैं। यही टोन आपको यूज़ करना है। शेडिंग के लिए HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं। आपको एकदम लाइट टोन निकालना है, सॉफ्ट टोन आना चाहिए, तो अच्छे से धीरे धीरे शेडिंग करना है। और सॉफ्टनेस देने के लिए आप ईयरबड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया है थोड़ा। चारकोल पाउडर से हमें एकदम सॉफ्ट टोन मिलता है। यहाँ पे मैं HB और 2B
पेंसिल का यूज़ किया है और थोड़ा 4B भी यूज़ किया है और थोड़ा आपको ब्लेंडिंग करना है तो एकदम सॉफ्टनेस मिलेगा। बाउल शेडिंग के लिए मैंने HB पेंसिल यूज़ किया है और थोड़ा और सॉफ्टनेस देने के लिए चारकोल पाउडर का यूज़ करा है। तो आप इसे चारकोल पाउडर से भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए वहाँ पे आप चारकोल पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा शेडिंग कंप्लीट हुआ है तो आपको पहले इसका प्रैक्टिस करना है। शेडिंग के लिए आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक 100% आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।